आई और भी मजेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आईसीएससी मैथमेटिक्स सीरीज आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा दैट वॉज अबाउट बैंकिंग इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यू कैन वॉच द लिंक ऑफ द बैंकिंग वीडियो इन द सजेस्टेड वीडियोज फाइन चलिए लेट स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर आज का बच्चों टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शेयर्स एंड डिविडेंड्स बट एज आई ऑलवेज से लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट थर्टी मिनट्स इन द नेक्स्ट थर्टी मिनट्स बच्चों सबसे पहले वील बी स्टार्टिंग विद द बेसिक इंट्रोडक्शन एज आई ऑलवेज से सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ डज दिस शेयर एंड डिविडेंट वर्क वंस यू आर डन विद द बेसिक्स द फार्मूलाज आर रिलेटिवली ईजी एंड इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू टू अप्लाई दोज फार्मूला तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंट्स क्या हैं फिर कैसे हम प्रैक्टिकली उन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर वील बी डिस्कसिंग थ्री टू फोर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो सभी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन होंगे एंड आई विल बी सॉल्विंग दी अनसॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एम एल अग्रवाल फाइन चलिए बच्चों लेट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शेयर क्या है तो लेट मी एक्सप्लेन यू द विद अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं आई हैव एन आइडिया आई हैव अ फुल प्रूफ प्लान एंड आई बिलीव दैट माई आइडिया इज गोइंग टू वर्क आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू फेच मी लॉट्स ऑफ मनी इन द नियर फ्यूचर बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस एंड सेट इट अपट स्टिल आई बिलीव दैट आई कैन डू वंडर्स विद वट एवर आइडिया आई एम हैविंग अब बच्चों मेरे पास दो ऑप्शन है फर्स्ट इज डायरेक्ट पार्टनरशिप सेकेंड इज इनडायरेक्ट पार्टनरशिप डायरेक्ट पार्टनरशिप में वॉट आई डू इज आई ट्राई टू फाइंड इन्वेस्टर्स या मैं पार्टनर्स ढूंढूंगा ये वो बंदे होंगे जो मेरे बिजनेस आइडिया पर पैसा लगाएंगे दे विल हैव अ स्टेक इन माय बिजनेस मतलब मेरे हिस्से का फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक इन्वेस्टर ने थर्टी परसेंट इन्वेस्ट कर दिया मुझे मान लिया मुझे चाहिए से बीस लाख की जरूरत तो मेरे एक इन्वेस्टर ने छह लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात कही विद अ परसेंट स्टेक मतलब मेरी कंपनी में त्रीस का वो भागीदार है इसके साथ साथ बच्चों ये डायरेक्ट पार्टनरशिप में जो बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है ही हैज कट इन द प्रॉफिट मतलब आपकी कंपनी पे तो उसका आपकी कंपनी के स्टेक में तो उसका हिस्सा है ही साथ साथ आप जो प्रॉफिट कमाओगे बच्चों उस पर भी उसका हिस्सा है अब एज अ स्टार्टर मैं सोचूंगा कि भाई मेहनत मेरी आइडिया मेरा तो वाई वुड आई गिव माई शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट तो बच्चों मैं क्या करूंगा आई ऑप्ट दी सेकेंड आइडिया फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब बच्चों मैं क्या करूंगा मैं बोलूंगा मैं एक रिलीज करूंगा जहां पर मैं बताऊंगा कि दिस इज माई बिजनेस आइडिया आई विल डू थिंग्स लाइक दिस एंड दैट एंड वॉट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट गिविंग शेयर्स मैं बोलूंगा कि मेरी कंपनी का एक शेयर सौ रुपए का है इन दी ओपन मार्केट और मैं बोलूंगा कि नाउ एनी वन ऑफ यू हु टू इन माइ कंपनी है किसी को मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया उसने कहा कि आई विल टू हंड्रेड शेयर तो टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड डायरेक्टली मेरे पास आ गया इस तरह से हर आदमी हर इन्वेस्टर शेयर के थ्रू अलग अलग अमाउंट का शेयर खरीदेगा वो जो पैसा है वो मेरे बिजनेस का इनिशियल कैपिटल बन जाएगा अब शेयर में क्या है बच्चों वाई वुड एनी वन इन्वेस्ट कोई मेरे बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा तो आपने देखा होगा बच्चों कि कंपनियां डिविडेंड्स बांटती हैं कि देरिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ माई कंपनी भाई ये भी तो हो सकता है कि आज किसी मिस्टर एक्स ने मेरे ऊपर दस लाख रुपए लगाए और एक साल बाद उस दस लाख की वैल्यू हो गई आठ लाख तो भाई वो कहेगा आ, मैं तो लॉस में हूं तो मुझे क्या फायदा हुआ ऐसी स्थिति में बच्चों कंपनियां डिविडेंड्स निकालती हैं वो कहती हैं इर ऑफ एनी थिंग आई विल गिव यू सम परसेंट ऑफ गिवन अमाउंट अब ये गिवन अमाउंट क्या है ये परसेंटेज क्या है यही सब बच्चों हमें इस चैप्टर में पढ़ना है तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि मैंने मान लिया एक शेयर निकाला मार्केट में बच्चों मैंने बोला कि मेरा शेयर है हंड्रेड रुपीज का तो दिस हंड्रेड रुपीज इज वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ माय शेयर ये फिक्स वैल्यू है ये वो पैसा है ये वो अमाउंट है जिस पर पहली बार मेरा शेयर मार्केट पर आया क्लियर अब मेरी कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू किया कुछ टाइम के बाद ये टाइम नॉर्मली ईयर्स में ही होता है तीन पॉसिबिलिटी है बच्चों हो सकता है मेरी कंपनी लगभग उसी लेवल पे हो जिस लेवल से स्टार्ट हुई थी मतलब मेरा शेयर अभी भी सौ ही रुपए के आसपास है दिस इज दिस कंडीशन मतलब जैसे पहले था आज भी मेरा शेयर वैसे ही है दूसरी कंडीशन क्या है हो सकता है बच्चों एक साल में मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाए जो शेयर आज सौ रुपए का था हो सकता है एक साल बाद वो शेयर एक सौ बीस रुपए का हो जाए अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगा पोजिशन मेरा सौ रुपए का शेयर एक सौ बीस रुपए का हो चुका है ऑन दरी ये भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी कंपनी अच्छा ना करे और मेरा सौ रुपए वाला शेयर अब अस्सी रुपए का हो गया <coughs> तो मैं क्या बोलूंगा ये जो बच्चों अस्सी रुपए है कम है इसको मैं बोलूंगा एट डिस्काउंट तो कुछ टाइम के बाद ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या तो मेरा शेयर अभी भी सेम वैल्यू का है ये तीनों पॉसिबिलिटी ही बच्चों मार्केट वैल्यू कहलाती हैं दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ माय शेयर माय मार्केट वैल्यू कैन बी सेम एज फेस वैल्यू माय मार्केट वैल्यू कैन बी अब फेस वैल्यू उस केस में मैं बोलूंगा दिस इज एट प्रीमियम माय मार्केट वैल्यू कैन बी एट डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम पे अब यहां पर बच्चों हमें डिस्काउंट शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है डिस्काउंट इज नॉट अ गुड थिंग नॉर्मली आर्टिकल्स पे डिस्काउंट तभी आता है जब वो ओवर स्टॉक हो जाते हैं मेरे पास नया स्टॉक आता है तो मैं पुराने स्टॉक को डिस्काउंट पे लेता हूं या फिर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो आप ईट्रीज खरीदते हो मैगी बिस्किट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा मैनी अ टाइम्स यू गेट अ सॉस फ्री विद अ सॉस तो इस ये वो पोजिशन है जहां पर एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी नियर एक जूस के साथ एक जूस फ्री तभी मिलता है जब दूसरे जूस का एक्सपायरी डेट नियर है द कंपनी विल हैव टू डिस्पोज इट ऑफ वंस इट रीचेज दिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्वेश्चन में अगर लिखा है, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज है नहीं क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा है इसका मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से गिर रही है देर इज अ डाउन फॉल देर इज नो इंक्रीमेंट अब तीनों ही केसेज में बच्चों मान लेता हूं मेरा प्रीमियम पर है शेयर अब मैं क्या करूंगा फेस वैल्यू पर प्रीमियम वैल्यू एड कर दूंगा मैंने कह दिया कि मेरा शेयर ट्वेंटी परसेंट बढ़ गया तो अब मेरे शेयर की मार्केट वैल्यू क्या हो गई फेस वैल्यू प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ फेस वैल्यू या मैंने बोला डिस्काउंट पे आ गया तो मैं क्या बोलूंगा फेस वैल्यू माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिस्काउंट माइनस होगा प्रीमियम एड होगा और ये दोनों ही चीजें बच्चों फेस वैल्यू पर ही होंगी ये ध्यान रखना है अगर हमें फॉर्मूला बनाना आ गया तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बच्चों पहले जो तीन फॉर्मूले हैं वो ये हैं मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू प्लस परसेंटेज प्रीमियम मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है विल हार्डली गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस फाइन तो दिस इज हाउ द मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड तो आपको क्वेश्चन में फेस वैल्यू दी होगी और मार्केट वैल्यू दी होगी ये दोनों ही वैल्यूज मोर ऑफ एन एन नॉट बहुत आसपास होंगी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मार्केट वैल्यू किसको लेना है फेस वैल्यू किसको लेना है तो वो वैल्यू जिस पर शेयर सबसे पहले आया <coughs> वो मेरा फेस वैल्यू हुआ फिक्स वैल्यू या फेस वैल्यू आप इसको कुछ भी कह सकते हो कुछ जगह फिक्स्ड वैल्यू बोला गया है कुछ जगह फेस वैल्यू बोला गया है इसको बच्चों प्रिंटेड वैल्यू भी बोला जाता है कुछ बुक्स में इसको प्रिंटेड वैल्यू भी, भी बोला गया है फिक्स्ड वैल्यू भी बोला गया है तो अलग अलग नॉमल क्लेचर बट सबसे प्रोमिनेंट है फेस वैल्यू एंड नॉमिनल फाइन ठीक तो आई होप आपको यह समझ में आ गया है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है फेस वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर पहली बार शेयर आया मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर कुछ टाइम के बाद शेयर गया ये मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है क्लियर अब सम, ये दिस वॉज अबाउट शेयर अब क्वेश्चन <coughs> आता है कि डिविडेंड्स क्या है अब डिविडेंड्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर खरीदा एक फ्लैट लिया एंड इट वाज थर्टी लैक्स आपको वो तीस लाख रुपए का पड़ा अब तीन पॉसिबिलिटी है इनफैक्ट दो पॉसिबिलिटी है तीसरी तो अगेन बहुत ब्लड सिनेरियो है हो सकता है आपने जिस लोकेलिटी पर फेस अपने फ्लैट लिया है गवर्नमेंट आसपास ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दे या कॉलोनाइजेशन हो जाए आपके फ्लैट की वैल्यू बढ़ जाए दूसरी पॉसिबिलिटी यह भी हो सकता है कि फ्लैट की वैल्यू घट जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन स्लम आ जाए या आपने जिस सोसाइटी में फ्लैट लिया था उस पर कुछ लीगल हैसल्स आ जाए तो ऑब्वियसली फ्लैट की वैल्यू गिर जाएगी बट अब आपने यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड थर्टी लैक्स तो यू वॉन्ट टू गेन सम प्रॉफिट राइट तो आप क्या करते हो आप कहते हो कि मैं टेनेंट रख दूंगा अब थर्टी लाख तो आपने इन्वेस्ट कर दिया बट अगर टेनेंट आपके फ्लैट में है तो इट विल गिव यू अ रिटर्न इट विल गिव यू सम रिटर्न, फाइन, बिल्कुल ऐसा ही बच्चों डिविडेंड में होता है द बिग क्वेश्चन इज वेन पर्सन टेक्स शेयर फ्रॉम अ कंपनी द पर्सन मेरा क्या फायदा है तो कंपनियां बच्चों क्या है? करती है डिविडेंड्स अनाउंस करती है कंपनी कहती है कि कुछ साल बाद मैं इनमें से किसी भी पोजीशन पे हूं मैं आपको टू परसेंट दूंगा किसका फेस वैल्यू का ध्यान रखेंगे बच्चों डिविडेंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है आप कह सकते हो कि भाई अगर डिविडेंट मार्केट वैल्यू पे होता मैंने सौ रुपए की चीज खरीदी अब वो अस्सी रुपए की हो गई तो मैं अस्सी रुपए पे दो परसेंट क्यों लू मैंने तो सौ रुपए पे लिया था ना या सौ रुपए की चीज डेढ़ सौ रुपए की हो गई तो वन फिफ्टी रुपीज पे अगर कंपनी आपको डिविडेंड देने लगेगी तो कंपनी तो अपने प्रॉफिट में से आपको हिस्सा दे रही है ना बच्चों सौ रुपए में आपने कंपनी का शेयर लिया या सौ रुपए में लॉन्च हुआ अब वो डेढ़ सौ रुपए का है तो फिफ्टी रुपीज का जो प्रॉफिट है वो तो कंपनी का होना चाहिए ना अगर इसमें भी आपको हिस्सा मिल जाएगा तो शेयर्स का फंडा और जो फंडा वन मैंने बताया था पार्टनरशिप का उसमें डिफरेंस ही क्या है यही डिफरेंस है पहले फंडे में प्रॉफिट पर भी शेयर रहता है इन्वेस्टर का यहां पर बच्चों डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है ध्यान रखेंगे फेस वैल्यू पर जिस रुपए पे जिस अमाउंट पे कंपनी ने सबसे पहले शेयर लॉन्च किया था डिविडेंड उसी पर होगा अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है अगर टाटा का कोई शेयर आएगा तो डिविडेंड बहुत कम होगा डिविडेंड क्यों कम होगा बिकॉज दे डोंट नीड इन्वेस्टर्स उनके पास वैसे ही हज़ारों लोग हैं उनका शेयर लेने के लिए ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं एक कंपनी स्टार्ट करूं तो मुझे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा डिविडेंड ऑफर करना पड़ेगा मैं बोलूंगा भाई मैं आठ परसेंट डिविडेंट दे रहा हूं ऑब्वियसली द इन्वेस्टर विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट बिकॉज आठ परसेंट इज अज अमाउंट इसीलिए बच्चों शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी होता है कई फ्रॉड कंपनीज़ लिस्ट होती हैं, शेयर्स मार्केट में उतारती हैं लोग शेयर्स खरीदते हैं उनके पास पैसा आता है एंड देन दे मूव आउट तो वहां पर प्रॉब्लम आती है इसीलिए बोला जाता है कि यू शुड स्टडी द बैकग्राउंड द प्रोफाइल द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी वेरी केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स आपका एस आई पी भी शेयर्स ही है आप एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देते हो और बैंक वो अमाउंट भी शेयर्स में ही लगाता है आप समझ रहे हो तो बेसिकली मार्केट चल शेयर से ही रहा है हमें बेसिकली मार्केट वैल्यू की ये तीन चीजें ध्यान देनी है दूसरा मुझे ये ध्यान देना है कि डिविडेंट मुझे एनुअल इनकम देगा कंपनी कैसा भी परफॉर्म करे अगर कंपनी ने डिविडेंट ऑफर किया है तो मुझे डिविडेंट मिलेगा तो डिविडेंट बच्चों मेरी एनुअल इनकम हो गई ये बिल्कुल मेरे किराए मेरे रेंट की तरह हो गया चाहे फ्लैट की वैल्यू घटे चाहे फ्लैट की वैल्यू बढ़े अगर मैंने फ्लैट लेने के साथ ही एक टेनेंट रख दिया है तो मुझे किराया मिलेगा क्लियर है फाइन तो दिस डिविडेंड ये ये बच्चों चैप्टर का ओवरव्यू था ये समझना बहुत जरूरी है अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आएगा और फॉर्मूले आप रटना पड़ेगा आपको आपको फॉर्मूला समझ ही नहीं आएगा अब बच्चों आते हैं फॉर्मुलेज पर जिनसे आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत ध्यान से देखेंगे बहुत से बच्चों का ये कमेंट है ये क्वेरी है कि सर बहुत टफ चैप्टर है नहीं समझ में आता बट आपको बहुत आसान लगने वाला है चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब <coughs> मैंने किसी कंपनी के शेयर कितना पैसा लगाया ऑब्वियसली मैं मार्केट वैल्यू पर ही पैसा लगाऊंगा हां ये हो सकता है कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो नो प्रॉब्लम बट मैं तो मार्केट वैल्यू पर ही पैसा लगाऊंगा ना बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर तो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स किसी शेयर की मार्केट वैल्यू एक्स थी मैंने उसके एन शेयर खरीद लिए तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया बच्चों मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर तो पहला फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट इसको मैं बोलूंगा टी आई टी आई इज एम वी इन टू एन एम वी इज दार्केट वैल्यू फाइन सेकेंड फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों सेकेंड फॉर्मूला इज योर एनुअल इनकम एनुअल इनकम इज योर किराया योर रेंट यह वो प्रॉफिट है जो आपने मिलना ही मिलना है अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया है तो बच्चों कैसे प्रॉफिट मिलेगा कंपनी ने जो डिविडेंट अनाउंस किया परसेंटेज डी मैंने लिख दिया परसेंटेज डी जैसे दो परसेंट चार परसेंट आठ परसेंट दस परसेंट अट्ठारह परसेंट कैसा भी हो सकता है वो डिविडेंट अच्छा डिविडेंट कंपनी किस वैल्यू पर ऑफर करती है फेस वैल्यू पर फाइन तो एक शेयर पर फेस वैल्यू का डिविडेंट और मैंने कितने शेयर लिए मैंने एन शेयर लिए तो मुझे कितना एनुअल इनकम हुआ बच्चों परसेंटेज डी इन फेस वैल्यू इंटू एन इसी एनुअल इनकम को बच्चों हम डिविडेंट अर्न भी बोलते हैं यहां पर बहुत कंफ्यूजन रहता है कभी कभी क्वेश्चन में वो डिविडेंट अर्न बोलता है कभी कभी वो एनुअल इनकम बोलता है तो दोनों चीजें एक ही हैं ध्यान से नोट कर लेंगे लिख लीजिए अभी एनुअल इनकम एंड डिविडेंट आर दी सेम थिंग फाइन यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो अदरवाइज नहीं बनते क्योंकि हमें लगता है कि डेटा इज मिसिंग बट नो द डेटा इज नॉट मिसिंग योर एनुअल इनकम इज एक्जैक्टली सेम एज द डिविडेंट यू हैव अर्न फाइन अब थर्ड फॉर्मुले पे आते हैं द थर्ड फॉर्मुला से रेट ऑफ रिटर्न अब ये कैच है देखिए दिस इज मटीरियल की आपको आपने कितने शेयर लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना परसेंट डिविडेंड पाया आप वॉट इज इंपॉर्टेंट इज आपने पैसा कितना कमाया आपको रिटर्न क्या मिल रहा है फाइन तो रिटर्न क्या होना चाहिए आपकी एनुअल इनकम जितना आप कमा रहे हो डिवाइडेड बाई टोटल इन्वेस्टमेंट जितना आपने इन्वेस्ट किया दिस इज वेरी ऑब्वियस बिल्कुल की तरह है जैसे हम फिजिक्स में निकालते हैं आउटपुट टोटल इंटू हंड्रेड तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मुझे मालूम है यह मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट ए आई एनुअल इनकम कितना है ये है है मेरा दिस विल गिव मी द रेट ऑफ रिटर्न अब यहां पर इस फॉर्मूले से एक और भी बनता बट देर इज नो नीड टू लर्न दैट फार्मूला आप क्वेश्चन करते करते उसको अप्लाई कर सकते हो जैसे मुझे मालूम है कि ए आई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं ए आई इज डी इन टू एफ इन टू एन एंड टोटल इनकम भी मुझे हंड्रेड है, है तो यहां से एन और एन कैंसिल हो गया तो मेरा आर ओ आर का एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास इफ एन एज एन वेन रिक्वायर्ड में ये भी यूज कर सकता हूं परसेंटेज डी इंटू एफ वी डिवाइडेड बाई एम वी इंटू हंड्रेड बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू लर्न दिस फार्मूला बिकॉज इतने फमूले हो जाएंगे बाई दी एंड ऑफ द ईयर दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज एवरी फार्मूला हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना बैंकिंग में भी मैंने देखी आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोला था हमने फॉर्मूला बना लिया था अगर आपने देखा होगा बैंकिंग का लेक्चर तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन हो गए हो गए होंगे अब हमें कुछ भी नहीं याद करना मुझे मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट ही मिलना है टाइम आपकी बार मंथली होना है और रिकरिंग अकाउंट है तो मैंने फॉर्मूला डिराइव कर लिया बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई बिल्कुल कहानी की तरह है और आप आई बोर्ड में हैं ये यू आर वेरी लकी कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर है अल्टीमेटली लाइफ में वॉट मैटर्स इज हाउ स्मार्टली यू आर इन्वेस्टिंग एंड हाउ यू आर इंक्रीजिंग योर कैपिटल तो आगे जाके ये चैप्टर आपको प्रैक्टिकली भी बहुत फायदा देने वाला है क्लियर है तो दिस वॉज द थ्योरिटिकल पार्ट ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने डिराइव कर लिए हैं अब बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे हमारा लॉजिक क्लियर होगा चलिए चलिए बच्चों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर हमने क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा ठीक से नोट कर लिया हाफ द वर्क इज डन बहुत ध्यान से देखेंगे विराट एंड धोनी इन्वेस्ट रुपीज थर्टी सिक्स थाउजेंड ईच इन शेयर्स ऑफ टू कंपनीज दैट मीन्स डिवाइड कर लू दिस इज विराट दिस इज धोनी दिस क्वेश्चन हैज बिन टेकन फ्रॉम द चैप्टर टेस्ट ऑफ एम एल अग्रवाल ये लास्ट क्वेश्चन है अनसॉल्व फाइन टोटल इन्वेस्टमेंट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड विराट का भी एंड टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर धोनी इज ऑल्सो थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइन विराट बाईज फिफ्टीन परसेंट ऑफ फोर्टी शेयर्स रुपीज फोर्टी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ध्यान से सुनेंगे यहीं पर सारा कैच है विराट बाईज फिफ्टीन परसेंट मतलब डिविडेंट मुझे दिया हुआ है फिफ्टीन परसेंट किसका विराट का फाइन अब ये क्या कह रहा है रुपीज फोर्टी शेयर मतलब वो शेयर जिसकी फेस वैल्यू थी रुपीज फोर्टी उसको विराट ने कब कैसे खरीदा एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो शेयर हमेशा मार्केट वैल्यू पर खरीदा जाता है ये हमने अभी डिस्कस किया तो देखिए इनडायरेक्टली मुझे मार्केट वैल्यू दी है कितनी दी है मार्केट वैल्यू इज एट अ डिस्काउंट ऑफ ट्वेंटी परसेंट तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर्टी दिस इज माय मार्केट वैल्यू ध्यान से देखेंगे विराट ने रुपीज फोर्टी के शेयर को ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट पे खरीदा तो डिस्काउंट मुझे फेस वैल्यू पर ही मिला होगा ट्वेंटी परसेंट ऑफ फोर्टी इज दिस विल बी फोर्टी माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू फोर्टी फाइन ये मुझे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव सा फाइव एट सा दिस विल बी थर्टी टू तो मुझे मार्केट वैल्यू पता चल गई कितनी है बच्चों थर्टी टू रुपीज फेस वैल्यू पता चल गई फोर्टी रुपीज क्लियर अब धोनी पर आते हैं धोनी ने क्या किया इन्वेस्टमेंट इनका भी उतना था इन्होंने फेस वैल्यू कितनी थी सेवेंटी फाइव इस शेयर को कैसे खरीदा प्रीमियम पे खरीदा प्रीमियम मतलब बच्चों अपनी थ्योरी का पहला केस मतलब कंपनी ने प्रॉफिट किया तो मेरा मार्केट वैल्यू कितना हो गया फेस वैल्यू प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ फेस वैल्यू मतलब सेवेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इंटू सेवेंटी फाइव क्लियर है दिस विल बी नाइनटी दिस विल कम नाइनटी राइट ये फिफ्टीन आएगा फाइव जा फाइव वन ज़ा फिफ्टीन सेवनटी नाइनटी दिस विल बी नाइनटी तो मुझे मार्केट वैल्यू मिल गई धोनी की फेस वैल्यू मिल गई धोनी की और विराट की भी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू मिल गई अब ये क्या कह रहे हैं इफ बोथ ऑफ रिसीव इक्वल डिविडेंड फाइंड द रेट परसेंटेज ऑफ डिविडेंट डिक्लेयर बाई अब देखो विराट का डिविडेंड मुझे दिया है मुझे धोनी का डिविडेंड निकालना है अब अभी हमने थ्योरिटिकल पार्ट में डिस्कस किया डिविडेंड अर्न इज नथिंग बट योर एनुअल इनकम अच्छा एनुअल इनकम के लिए मुझे नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स बच्चों कैसे निकाल सकते हैं आप यहां से देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ विराट कितने हो गए विराट की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है थर्टी सिक्स थाउजेंड राइट और नंबर ऑफ शेयर्स मुझे निकालने हैं मार्केट वैल्यू कितनी है विराट की थर्टी टू तो दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ विराट ऐसे ही नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ धोनी कितने हो जाएंगे मार्केट टोटल इन्वेस्टमेंट अगेन इज सेम थर्टी सिक्स थाउजेंड एंड दार्केट वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू द मार्केट वैल्यू इज नाइंटी फाइन तो दिस इज हाउ आई गेट द मार्केट वैल्यूज एंड टोटल इन्वेस्टमेंट से नंबर ऑफ शेयर अब एनुअल इनकम फॉर्मूला मेरे पास है दोनों की एनुअल इनकम सेम है तो मैं क्या करूं दोनों की एनुअल इनकम इक्वेट कर दूं। विराट की कितनी आएगी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज वैल्यू इज 40 वेरी गुड नो प्रॉब्लम नंबर ऑफ ऑफ विराट इज दिस 36,000 डिवाइडेड बाय 32 अच्छा डिविडेंड दोनों के बराबर है तो धोनी का भी इक्वेट कर दूं धोनी के लिए परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मुझे निकालना है फिक्स्ड वैल्यू मुझे मालूम है धोनी के लिए है एंड नंबर अगेन थर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइडेड बाय 90 मेरे पास एक इक्वेशन है मुझे डी की वैल्यू निकालनी है आई होप आप डी की वैल्यू निकाल लोगे दिस विल कम टू बी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव परसेंट सॉल्व कर लीजिएगा दिस इज वेरी इजी फाइन कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बाकी आप सॉल्व करोगे तो ये 22.5 आएगा तो आपने देखा क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो इट वाज इट सीम टू बी टफ बट अगर मैंने ये सारे फॉर्मूले जो अभी लिखे थे आपने ध्यान से पढ़े हैं समझे हैं तो इट्स वेरी इजी क्लियर है आई होप आपको समझ में आ गया होगा नोट इट डाउन इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं चलिए बच्चों दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन विवेक इन्वेस्ट रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं जो डेटा दिया है लिखता जाऊंगा सबसे पहले विवेक इज इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट तो दिस इज माई टोटल इन्वेस्टमेंट दिस इज रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड इन एट परसेंट एट परसेंट मीन्स मुझे डिविडेंड दिया है एट परसेंट रुपीस टेन शेयर मतलब मुझे फेस वैल्यू दी है रुपीस टेन एट रुपीस फिफ्टीन दैट मीन्स मुझे मार्केट वैल्यू दी है रुपीस फिफ्टीन फाइन पहली लाइन से मुझे इतना डेटा मिल गया <coughs> अब वो क्वेश्चन कह रहा है ही सेल्स द शेयर्स वेन द प्राइस राइजेस टू रुपीज थर्टी <coughs> मतलब ये पंद्रह रुपए का शेयर जो उसने खरीदा था ये वो तब बेच रहा है जब शेयर का प्राइस तीस रुपये हो जाता है और उससे उसे जो प्रॉफिट होता है उससे वो फिर से ये स्टेटमेंट दी है कुछ शेयर्स खरीदता है तो सबसे पहली चीज़ क्या है मुझे सेल प्रोसीड निकालनी है मतलब कितना रुपए उसे मिला शेयर बेचने पर जब शेयर की कीमत तीस रुपए हो गई थी तो इसके लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि उसके पास शेयर्स कितने थे क्वेश्चन में ये तो दिया है कि उसने शेयर कब बेचे जब शेयर की कीमत तीस रुपए हो गई बट उसके पास कितने शेयर थे ये मुझे निकालना है तो कितने शेयर थे बच्चों ये कैसे निकालूंगा ऑब्वियसली यहां से निकाल सकता हूं क्यों क्योंकि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर तो टोटल इन्वेस्टमेंट इज फोर्टी फाइव हंड्रेड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज फिफ्टीन दिस इज थ्री हंड्रेड That means विवेक के पास 300 शेयर्स थे थे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सेल प्रोसीड्स सेल प्रोसीड्स मतलब तीस रुपए से जब उसने बेचा तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ कितना पैसा मिला तो सेल प्रोसीड कितना हुआ सेल प्रोसीड हुआ उसके पास कितने शेयर थे 300 मैंने अभी निकाला शेयर उसने कितने पे बेचा थर्टी रुपीज पे तो मेरा शेयर प्रोसीड कितना आ गया नौ हजार रुपए मतलब इस पूरे प्रोसीजर से उसे नाइन थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट हुआ आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड इन्वेस्ट प्रोसीड इन ट्वेल्व परसेंट रुपीज हंड्रेड शेयर मतलब उसने जितना कमाया उसको उसने यहां पर लगाया तो अब बच्चों मेरा नया इन्वेस्टमेंट क्या हो गया माई न्यू इन्वेस्टमेंट इज नाउ नाइन थाउजेंड क्योंकि अब तो उसने यही नौ हजार रुपए तो लगाए ना इस पर तो अब मेरा नया इन्वेस्टमेंट चेंज हो चुका है वो नौ हजार रुपए हो गया और क्या दिया है मुझे डिविडेंड दिया है बारह परसेंट फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी हंड्रेड रुपीज उसने कितने में बेचा वन ट्वेंटी फाइव रुपीज क्वेश्चन क्या कह रहा है द नंबर ऑफ वन ट्वेंटी फाइव शेयर ही बाइस कितने शेयर खरीद पाएगा एक रुपए वाले तो ठीक है निकाल लेता हूं नया टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है नौ हजार रुपए मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की 125 ट्वेंटी वेरी इजी आप सॉल्व कर लो 9000 अपॉन 125 दिस विल गिव यू 72 टू दैट मीनस उसने जो पैसे बचाए पहले प्रोसीजर से उससे उतने 72 नए शेयर खरीद लिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है चेंज इन द एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड, एनुअल इनकम में कितना डिफरेंस आया तो बच्चों दोनों ही केसेस में एनुअल इनकम निकाल लीजिए पहले एनुअल इनकम कितनी थी एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड अर्न। पहले ए आई वन ए आई वन कितना था परसेंटेज कितना था एट अपॉन हंड्रेड इन फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी दस रुपए कितने शेयर थे उसके पास तीन सौ शेयर कितना पैसा उसने कमाया दिस गेट्स कैंसल्ड एट थ्री ज्वेंटी फोर उसने उसका एनुअल इनकम था टू फोर्टी तो केस वन में बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना बहुत जरूरी है क्लियर है क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना बहुत जरूरी है अगर यहां पर गलती हुई तो सारा लॉजिक क्लिक गड़बड़ हो जाएगा एनुअल इनकम उसे कितनी हुई पहले केस से मुझे वो निकालना है उसके बाद उसे एनुअल इनकम कितनी हुई दूसरे केस से मुझे वो निकालना है उसके बाद मुझे दोनों एनुअल इनकम्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है अगर मैं दोनों एनुअल इनकम्स को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे क्वेश्चन का जो एक्सक्यूज मी थर्ड पार्ट कह रहा है चेंज इन इस एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इस डिविडेंड से उसके एनुअल इनकम में कितना चेंज आया ठीक है तो एनुअल इनकम हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं तो ठीक है इट्स वेरी इजी फाइन दिस इज हाउ इट विल वर्क सेकंड केस में चेक करते हैं क्या सीन है सेकेंड केस में हमारा एनुअल इनकम कितना आएगा बच्चों सेकेंड केस में द एनुअल इनकम विल बी एनुअल इनकम इज डिविडेंट अर्न तो मेरे पास डिविडेंट अर्न है दिस इज ट्वेल्व परसेंट दिस इज ट्वेल्व परसेंट फाइन

864 सिक्सटी माइनस टू दिस इज द दुअल चेंज इन इनकम दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज 6. तो द एनुअल चेंज इन द इनकम इज रुपीज सिक्स क्लियर दैट मीन्स आप देखो दूसरे केस में उसका एनुअल इनकम ज्यादा है सेकेंड इन्वेस्टमेंट वॉज मोर फ्रूटफुल यही मुझे शेयर्स एंड डिविडेंड्स करके बताता है कि कौन सा मेरे लिए इन्वेस्टमेंट बेटर है चलिए बच्चों अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे ये क्वेश्चन का लॉजिक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डिस्कस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन uh, कह रहा है अ मैन बाइज रुपीज फोर्टी शेयर्स ऑफ अ कंपनी विच पेज टेन परसेंट तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या दिया है फेस वैल्यू इज गिवेन दैट इज़ रुपीज फोर्टी एंड द कंपनी इज पेइंग अ डिविडेंट ऑफ टेन परसेंट फाइन ही बाईज शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट इज प्रॉफिट इज सिक्सटीन परसेंट यहाँ पर बच्चों मुझे प्रॉफिट दिया है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि दिस डजेंट मैटर कि हम कितने शेयर्स ले रहे हैं और किस कंपनी से ले रहे हैं वॉट इज वॉट मैटर्स इज द रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो अगर किसी क्वेश्चन में ये बहुत से बच्चों का कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि सर प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं प्रॉफिट इज रिलेटेड टू योर रेट ऑफ रिटर्न फाइन और रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैं पढ़ चुका हूं दिस इज गिवेन एज सिक्सटीन परसेंट रेट ऑफ रिटर्न बच्चों क्या है रेट ऑफ रिटर्न मतलब किस रेट से या किस एवरेज से मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूं ये मैं कैसे निकाल सकता हूं कि मैंने कितना अर्न किया एनुअल इनकम डिवाइडेड बाई मैंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया इन टू हंड्रेड फॉर्मूला ऑलरेडी आप जान चुके हो अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या है परसेंटेज डी इंटू एफ वी इंटू एन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू इन टू एन फाइन अगर मैं ये हंड्रेड हटा दू तो मैं यहां पर परसेंटेज लगा सकता हूं क्लियर है तो यहां से मैं क्या देखता हूं एन से एन कैंसिल हो जाता है एन से एन कैंसिल हो जाता है तो आई गेट अ न्यू फॉर्मूला एम वी इंटू परसेंटेज आर ओ आर इज इक्वल टू एफ वी इंटू परसेंटेज डी तो दिस इज अगेन अ डिफरेंट फॉर्मूला ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपके बुक में नहीं दिया है बट यू कैन यूज इट दिस आर ओ आर कैन बी योर प्रॉफिट फाइन दिस फिक्स्ड वैल्यू कैन बी योर इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड वैल्यू जो आपके शेयर का प्राइस है तो ये अलग अलग फॉर्म्स में वी कैन मैनिपुलेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो अब यहां पर देख सकते हैं सभी कुछ दिया है एंड व्हाट इज आस्क्ड आज एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय ईच शेयर तो ही मस्ट बी बाइंग द शेयर्स एट द मार्केट वैल्यू तो मुझे मार्केट वैल्यू पूछा गया है बट इनडायरेक्टली तो यहां से अगर मैं देखूं तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा दिस विल बी एफवी इनटू परसेंटेज डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज आरओआर क्लियर है अब आर ओ आर इज नथिंग बट योर प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है फिक्स्ड वैल्यू इज अगेन रुपीज फोर्टी परसेंटेज डी इज टेन बाय हंड्रेड परसेंटेज आर ओ आर इज अगेन सिक्सटीन बाय हंड्रेड तो हंड्रेड से हंड्रेड कटा दिस विल बी फोर हंड्रेड बाय सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू सिक्सटीन फाइवी तो दिस इज माई मार्केट वैल्यू रुपीज फॉर ट्वेंटी फाइव तो भैया उस बंदे ने शेयर ट्वेंटी फाइव रुपीज में खरीदा इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद है वो नहीं यूज हो रहा है तो प्लीज कीप इन माइंड जब कभी भी प्रॉफिट दिया होगा योर प्रॉफिट इज नथिंग बट योर रेट ऑफ रिटर्न तो यहां से एक और फॉर्मूला आ जाता है प्लीज नोट दिस फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला फाइन कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन भी बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन कह रहा है और चलिए, दोनों केसेस देखते हैं। केस वन एंड केस टू केस वन क्या कह रहा है सिक्स परसेंट मेरे को डिविडेंड मिल रहा है फाइन एंड नॉमिनल वैल्यू शेयर की है हंड्रेड रुपीज मैंने शेयर कितने पे खरीदा मैंने शेयर खरीदा वन ट्वेंटी रुपीज में क्लियर है अब मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है तो ऑब्वियसली जो मुझे ज्यादा ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगा देगा जो मुझे प्रॉफिट मैं उसी इन्वेस्टमेंट को बेटर मानूंगा तो ठीक है मैं यही फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं रेट ऑफ रिटर्न निकाल लू तो रेट ऑफ रिटर्न पहले केस में कितना आएगा आर ओ आर वन विल बी दिस विल बी फिक्स्ड वैल्यू दिस इज हंड्रेड फाइन परसेंटेज ऑफ डी दिस इज सिक्स मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू दिस इज 120 तो दिस विल बी 600 हंड्रेड अपॉन वन दिस विल बी 5 परसेंट तो रेट ऑफ रिटर्न हेयर इज 5 परसेंट केस टू में देखते हैं बच्चों की रेट ऑफ रिटर्न कैसा है यहां पर डिविडेंट द कंपनी द फिक्सड वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज टेन एंड द मार्केट वैल्यू इज फिफ्टीन मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर शेयर खरीदा गया है क्वेश्चन में दिया है कि ही बाइज अ टेन रुपीज शेयर एट रुपीज फिफ्टीन तो मार्केट वैल्यू इज फिफ्टीन अगेन मैं आरओआर ओ टू निकाल लू आरओआर ओ टू दिस विल बी फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू इज टेन इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज एट दिस इज फिफ्टीन दिस इज एट्टी अपॉन फिफ्टीन अब आई नो फिफ्टीन फाइव जा तो दिस इज फाइव थ्री समथिंग दिस बी अराउंड फाइव पॉइंट थ्री परसेंट तो आप देख रहे हो आर ओ आर वन इज फाइव परसेंट एंड आर टू इज फाइव पॉइंट थ्री परसेंट तो ऑब्वियसली मुझे रेट ऑफ रिटर्न बेटर मिल रहा है सो दिस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट क्लियर है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान हमें देना है कि हमें आर ओ आर ही निकालना है देर इज नथिंग न्यू इन द क्वेश्चन सो प्लीज डोन्ट बी कंफ्यूज चलिए टाइप थ्री देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं रुपीज हंड्रेड शेयर ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टीन परसेंट फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड. अगेन द फॉर्मुला इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला हंड्रेड रुपीज के शेयर थे तो मेरा फिक्सड वैल्यू कितना था हंड्रेड दे आर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज ट्वेंटी तो जब मेको डिस्काउंट दिया है दैट मीन बिलो पार तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी फेस वैल्यू माइनस परसेंटेज डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू तो फेस वैल्यू पर डिस्काउंट मुझे कितना दिया है ट्वेंटी रुपीज का यहां पर सीधे वैल्यू ही दे दिए तो ये भी नहीं करना मुझे सीधे मालूम है मार्केट वैल्यू हो गई एट्टी रुपीज अब वो कह रहा है द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टीन परसेंट तो आर ओ आर मुझे दिया हुआ है बच्चों फिफ्टीन परसेंट वॉट आई नीड टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ द डिविडेंड तो अगेन यहां से देख लेते हैं परसेंटेज डी इज मार्केट वैल्यू इनटू परसेंटेज आर ओ आर डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू क्लियर है मार्केट वैल्यू मेरे को कितनी दी है एटीन ठीक है परसेंटेज आर ओ आर कितना दिया है फिफ्टीन एंड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज हंड्रेड क्लियर है हो जाएगा फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव टू जेन टू फोर एट दैट मीनस ट्वेल्व परसेंट डिविडेंट मुझे कंपनी ने ऑफर किया क्लियर है तो ये एक ये तीनों क्वेश्चन बच्चों डिफरेंट फॉर्मूले पे थे हमने जो पहले दो क्वेश्चन किए वो डिफरेंट अप्रोच पे थे अब एक और क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी द फाइनल क्वेश्चन फॉर द लेक्चर उस क्वेश्चन में फर्स्ट uh, थिंग ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एम एल के अनसोल्व हैं आइदर फ्रॉम द चैप्टर टेस्ट और फ्रॉम योर एक्सरसाइज अब जो लास्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर चैप्टर टेस्ट एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन चलिए बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे द क्वेश्चन इज अ मैन हैज समेय ऑफ रुपीज हंड्रेड पार वैल्यू पेइंग सिक्स परसेंट डिविडेंड सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है रुपीज हंड्रेड तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज हंड्रेड एंड द कंपनी इज पेइंग सिक्स परसेंट डिविडेंट तो डिविडेंट परसेंटेज इज सिक्स परसेंट क्लियर है ही सेल्स हाफ ऑफ दि शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इन सेवन परसेंट रुपीज फिफ्टी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज टेन दिस ट्रांजेक्शन डिक्रीज इज इनकम फ्रॉम डिविडेंट्स बाई रुपीज ट्वेंटी कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर बिफोर डिविडेंट्स एंड सो ऑन तो सबसे पहले बच्चों मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ शेयर्स बी एक्स मान लेता हूं कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में शुरुआत में बंदे के पास एक्स शेयर्स थे अब देखिए पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज अमाउंट दैट ही हैज मतलब हंड्रेड रुपीज के शेयर हैं उसने सिक्स परसेंट डिविडेंड पे रखे हुए हैं जितना शेयर उसके पास है उसके हाफ शेयर को वो टेन परसेंट डिस्काउंट पे सेल कर देता है मान लेता हूं मेरे पास दस शेयर हैं तो मैंने पांच शेयर सेल कर दिए टेन परसेंट डिस्काउंट से उनसे जो उसे प्रॉफिट हो रहा है या उससे उसके पास जो भी पैसा आ रहा है उसे वो इन्वेस्ट कर रहा है सेवन परसेंट रुपीज फिफ्टी के शेयर पे विद प्रीमियम ऑफ रुपीज टेन ठीक मतलब सात परसेंट पचास रुपए का शेयर साठ रुपए में वो खरीद रहा है उस पैसे से जो पैसा उसे मिला है इसके फिफ्टी परसेंट शेयर को बेचकर और इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसके डिविडेंड्स में देर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ रुपीज वन ट्वेंटी मतलब उसे एक सौ बीस रुपए का डिविडेंट अर्न पे नुकसान हो रहा है और बाकी ये सब आपसे पूछा जा रहा है तो अगेन शुरुआत हमें यहीं इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी मान लेते हैं कि द पर्सन हैड एक्स शेयर तो एक्स शेयर से उसे इनिशियली कितनी इनकम हुई होगी तो एनुअल इनकम पहले केस में कितनी हुई होगी परसेंटेज डी इंटू फिक्सड वैल्यू हंड्रेड इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इतनी ही रही होगी बेसिक फॉर्मूला है ए का सॉल्व किया तो मुझे मिला सिक्स एक्स दैट मीन्स इस ट्रांजेक्शन से उसे इतना इनकम हुआ होगा अब वो क्या कह रहा है ही सेल्स हाफ ऑफ दी शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो टेन परसेंट डिस्काउंट पे जब उसने शेयर सेल किए तो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई हंड्रेड रुपीज पे उसने खरीदे थे बट टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद नाइन्टी रुपीज पर सेल कर रहा है शेयर बट कितने शेयर सेल कर रहा है हाफ ऑफ द शेयर्स तो टोटल उसके पास कितने शेयर्स थे सिक्स एक्स तो हाफ ऑफ द शेयर्स कितने हुए थ्री एक्स तो थ्री एक्स शेयर सेल कर रहा है टेन परसेंट के डिस्काउंट पे ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है क्लियर है फिर से रिपीट कर रहा हूं इतना उसने इनकम अर्न किया ठीक इस इनकम का वैल्यू है इनिशियल जो उसके पास थे हंड्रेड रुपीज के जो उसने शेयर लिए अब उसमें से व्हाट ही इज ही सेलिंग हाफ ऑफ दीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि कितने वैल्यू के शेयर उसने सेल कर दिए तो एनुअल इनकम उसके पास आई थी सिक्स एक्स सिक्स एक्स का हाफ कितना हुआ नाइन एक्स तो उसने हाफ हुआ थ्री एक्स तो उसने थ्री एक्स वैल्यू के शेयर पर ही सारा काम किया है ये इनकम के टर्म्स में है बट अगर नंबर की बात करूं तो नंबर कितने हाफ ऑफ द शेयर का मतलब एक्स बाई टू शेयर उसने कितने रुपए पे बेचे टेन परसेंट डिस्काउंट पे ठीक तो एक्स बाई टू इंटू नाइनटी दैट इज फोर्टी फाइव एक्स इस वैल्यू पर उसने हाफ ऑफ द शेयर्स को बेचा तो इससे उसे इनकम कितनी हुई हाफ ऑफ द शेयर्स को इस रेट पर सेल करने से उसे जो इनकम हुई है वही इनकम तो उसने आगे इन्वेस्ट की है तो कितनी इनकम हुई होगी इनकम फ्रॉम हाफ शेयर्स कितनी हुई होगी डिविडेंड इनटू फिक्स्ड वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं डिविडेंड कितना है और फिक्स्ड वैल्यू कितना है अब उसने इन्वेस्ट कितना किया है फोर्टी फाइव एक्स इज टोटल इन्वेस्टमेंट क्लियर है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सेवन परसेंट डिविडेंड पे उसने पचास रुपए मतलब सेकेंड केस अगर मैं देखूं तो अब डिविडेंड है सेवन परसेंट फेस वैल्यू है पचास रुपए और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई उसने प्रीमियम पे सेंड किया रुपीज टेन का प्रीमियम तो मार्केट वैल्यू हो गया टेन परसेंट तो यहां से उसे इनकम कितनी हुई एनुअल इनकम परसेंटेज डी सेवन इन टू इन फैक्ट जैसे सेवन बाई हंड्रेड इंटू फेस वैल्यू इज फिफ्टी इंटू नंबर ऑफ शेयर तो नंबर ऑफ शेयर बच्चों कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर का मेरे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी कैसे टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू तो अब की बार उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था फोर्टी फाइव एक्स डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू कितनी है सिक्सटी फिफ्टी टू 100 हंड्रेड फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन फोर जा एंड दिस विल बी ट्वेंटी वन अपॉन एट एक्स दो दिस इज द सेकेंड एनुअल इनकम अब क्वेश्चन कह रहा है इस पूरे दिस ट्रांजेक्शन डिक्रीजेज हिज एनुअल इनकम फ्रॉम डिविडेंड बाई वन ट्वेंटी तो कितना डिक्रीमेंट हुआ पहले एनुअल इनकम कितनी थी 3X. इस के बाद एनुअल इनकम कितनी हुई ट्वेंटी डिक्रीमेंट तो कितना हुआ थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी वन बाई एट एक्स और ये डिक्रीमेंट किसके बराबर है वन ट्वेंटी के बराबर तो यहां से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स विल बी ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी वन अपॉन एट इंटू वन ट्वेंटी तो एक्स विल बी यहां से एक्स विल बी वन ट्वेंटी इंटू एट अपॉन थ्री ठीक है थ्री फोर ज ट्वेल्व फोर्टी एट फोर जटी टू तो थ्री ट्वेंटी शेयर्स उसके पास थे बिफोर द ट्रांजेक्शन क्लियर है पहले पार्ट का आंसर बच्चों आ गया एक्स ही मैंने माना था द नंबर ऑफ शेयर इनिशियली सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है नंबर ऑफ शेयर ही सोल्ड तो कितने शेयर उसने सेल किए हाफ ऑफ द शेयर उसने सेल किए तो दिस इज एक्स बाई टू एक्स बाई टू इज वन सिक्सटी हिज इनिशियल एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर इनिशियल एनुअल इनकम फ्रॉम द देयर इज थ्री एक्स दैट इज थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी दैट इज नाइन सिक्सटी क्लियर है थ्री एक्स इज द इनिशियल इनकम So 320 into 3x. This is the annual income. Uh, this is the annual income is 6x. Sorry, this is 6x. So this has to be 6. So this will be 62, 12, 1920. So 1920 is the initial annual income from the shares. Clear? Hai? This was a very good question. Please note it down. And this is all about shares and dividends. दिस इज अ टफ टफ चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लीज वॉच द लेक्चर अगेन एंड अगेन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कैटर क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज हम लोगों ने ऑन द टोटल अराउंड सिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में और सभी क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट हैं प्लीज गो थ्रू द लेक्चर मेक योर सेल्फ नोट्स आफ्टर दैट वील बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज